अभी तक हमने किया था कंसेप्ट ऑफ कोडोमिनेंस, ठीक है। कोडोमिनेंस में देखिए आप एक चीज, यहाँ पे कुछ एक क्वेश्चंस दिए हुए हैं। कैन यू सी देयर आर द सिक्स डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ द थ्री एलील्स व्हिच आर पॉसिबल इन अ टोटल ऑफ द सिक्स डिफरेंट जीनोटाइप ऑफ द ह्यूमन ब्लड, हाउ मेनी फिनोटाइप आर पॉसिबल। सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द जीनोटाइप इन द ह्यूमन, ठीक है। ह्यूमंस में टोटल डिफरेंट टाइप के जीनोटाइप कितने तरह के होते हैं, तो सिक्स डिफरेंट जीनोटाइप हैं। और फिनोटाइप कितने होंगे, फिनोटाइप चार होंगे भाई, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ, कोई और कॉम्बिनेशन हो सकता है, नहीं। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, सेम कोडोमिनेंस जो हमने एग्जांपल लिया था, कोडोमिनेंस में हमने किस चीज़ को एक्सप्लेन किया था, वी हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ ब्लड ग्रुप, ठीक है। ब्लड ग्रुप जो है इसके एक और एग्जांपल है, ये मल्टीपल एलिलिज्म का भी एग्जांपल है। आपको क्वेश्चन भी आ सकता है एक्सप्लेन मल्टीपल एलिलिज्म, एक्सप्लेन विद द एग्जांपल, ठीक है। तो मल्टीपल एलिलिज्म क्या होता है, मल्टीपल एलिलिज्म मीन्स द काइंड ऑफ इनहेरिटेंस वेयर इंस्टेड ऑफ टू एलील्स द थ्री एलील्स आर गवर्निंग द सेम कैरेक्टर। यू कैन सी हियर वेयर वन कैरेक्टर, कैरेक्टर क्या है यहाँ पे, द कैरेक्टर इज ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप इज कंट्रोल्ड बाय मोर देन टू एलील्स। सो हियर वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी हाउ मेनी एलील्स आर देयर, इट हैज द थ्री एलील्स, ये तीन एलील्स हैं ब्लड ग्रुप में जीन आई की। तो ये भी मल्टीपल एलिज्म में भी सेम एग्जाम्पल को एक्सप्लेन किया जा सकता है, ठीक है। अगेन आई एम सेइंग मल्टीपल एलिज्म, वन ट्रेट इज व्हेन इट इज कंट्रोल्ड बाय मोर देन टू एलील्स, दैट इज नोन एज द मल्टीपल एलिलिज्म। आपके बुक में एंड में दिया होगा, इसमें यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। इसके बाद हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ कर, ये हमने कर लिया था, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन, वी हैव डन मीन्स इट इज टॉकिंग अबाउट द डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो ये हमने पहले ही एडवांस में कर लिया था, डाईहाइब्रिड क्रॉस वेयर वी हैव टेकन द राउंड एंड द येलो, ठीक है। ये वाला हमने किया था जिसका फिनोटाइप जो था आपका, हमारा कितना आया था, फिनोटाइप आया था 9:3:3:1, दिस वॉज द फिनोटाइप। जीनोटाइप इसमें आप देख रहे होंगे, जीनोटाइप ना ही आपके सिलेबस में है, ना ही इतना इंपॉर्टेंट है। जीनोटाइप जो है इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट, ठीक है। इसको जीनोटाइप निकालने का फॉर्मूला जो है वो इसके अंदर बताया हुआ है इन्होंने। जीनोटाइप को निकालने के लिए हमें बाइनोमियल एक्सप्रेशन यूज़ करना पड़ता है, जो कि हमारे इसमें आपके सिलेबस में नहीं है। तो यू गो विद दिस ओनली। द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है ये हमने डिस्कस किया था, इफ़ यू रिमेंबर वी हैव डिस्कस द स्टेटमेंट आल्सो। ये स्टेटमेंट आपने लिखनी है, द लॉ स्टेट्स दैट द व्हेन द टू पेयर ऑफ द ट्रेट आर कंबाइन इन ए हाइब्रिड द सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ करेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर ऑफ करेक्टर, ठीक है। पुनिटस्केर मेथड हैज़ बीन यूज इन दैट आल्सो। तो इसमें हमने यू कैन सी हेयर द रेशो आई थी इसमें 9:3:3:1। नेक्स्ट हम करेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। कैन यू टेल व्हाट द मेंडल हैज टोल्ड अबाउट देम, जैसे अभी मैं उसको बोल रहा हूँ ना, ट्रेट्स, जीन्स मैंने आपको कितनी बार बोल दिया, ठीक है। बट मेंडल ने उसके लिए जीन के लिए क्या टर्म यूज़ किया था, मेंडल ने टर्म यूज़ की थी जीन के लिए फैक्टर्स। कंसेप्ट ऑफ जीन, हु हैज़ गिवन द कंसेप्ट ऑफ जीन, कंसेप्ट ऑफ जीन वाज गिवन बाय द जोनासन, ओके क्लियर। नाउ इसको पैराग्राफ को हम ध्यान से पढ़ेंगे। मेंडल्स वर्क ऑन हिज इनहेरिटेंस ऑफ द कैरेक्टर इन 1865 ही हैज़ पब्लिश्ड इट, ठीक है। बट फॉर द सेवरल रीजंस इट वॉज अनरिकोगनाइज फॉर 1900 टिल 1900। कहने का मतलब अप्रॉक्सीमेटली 35 ईयर्स, इट्स अ वेरी ह्यूज टाइम, 35 साल तक उसके वर्क को कोई रिकोगनीशन नहीं मिला, ठीक है। वट वर द रीजन फॉर दैट, सो द क्वेश्चन हेयर इज वट आर द रीजन्स वाई मेंडल्स वर्क वॉज अनरिकोगनाइज टिल 1900, ठीक है। सो ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। रीजंस, क्या रीज़न रहे थे कि मेंडल का वर्क जो था वो पब्लिश हो गया था लेकिन रिकॉग्नाइज नहीं हुआ था। सो रीजन में हम पॉइंट वाइज करेंगे।
फर्स्ट पॉइंट, द कम्युनिकेशन वॉज नॉट ईजी एज इट इन द दोज डेज. ठीक है, जैसा अब है कम्युनिकेशन वैसा उस टाइम नहीं था, तो इसलिए उसका वर्क जो था क्या हुआ, वाइडली पब्लिसाइज नहीं हुआ. एक छोटे से एरिया में पब्लिकेशन हुई है उसकी, जिसको लोगों ने पढ़ा ही नहीं पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड साइंटिस्ट ने. सेकेंड रीजन जो था, ही हैज़ गिवन द कंसेप्ट ऑफ जीन और द फैक्टर्स. ठीक है, मेंडल के वर्ड्स में फैक्टर्स का कंसेप्ट दिया था उसने, कहा था फैक्टर जो हैं मतलब जीन्स, वो बड़े स्टेबल होते हैं और डिस्क्रीट यूनिट होते हैं, दे आर कंट्रोल्ड बाय द एक्सप्रेशन ऑफ द ट्रेट. ठीक है, एंड ऑफ द पेयर ऑफ एलील्स विच डू नॉट शो द ब्लेंडिंग विद ईच अदर. ये मेंडल ने कहा था कि ब्लेंडिंग मिक्सिंग नहीं होती, ट्रेट्स एज सच कहाँ से, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं, फिर ये देखा जाता है कि उसमें से डोमिनेंट एलील कौन सी है और रिसेसिव एलील कौन सी है. जो डोमिनेंट एलील होती है ट्रेट की, वो क्या कर जाती है, लॉ ऑफ डोमिनेंस लगता है और वो डोमिनेट कर जाती है और वो एक्सप्रेस हो जाती है, मतलब ब्लेंडिंग नहीं थी. तो ये जो कंसेप्ट था, इट वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाय हिज कंटेम्प्रेरी. इज दैट क्लियर? ओके, तो उस टाइम वेरिएशंस तो हो रही थी लेकिन ये कह रहा था स्टेबल है. तीसरा रीज़न जो दिया उसने क्यों नहीं उसका पब्लिकेशन हुई, कि मेंडल ने मैथमेटिक्स यूज़ कर लिया बायोलॉजी में, जबकि होता है अब तो हम पता होता है, लेकिन ही वॉज द न्यू, हिज आइडिया वॉज वेरी न्यू एंड दैट्स वाई इट वॉज अनएक्सेप्टेबल टू द मैनी ऑफ हिज बायोलॉजिस्ट ऑफ दैट टाइम. क्लियर? इज दैट क्लियर? फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न why his work was not publicized, that he could not, उसने बोल तो दिया कि फैक्टर जो हैं ये कंट्रोल करते हैं, पर वो फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाया एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर्स ऑन और द से वट दे आर मेड अप ऑफ. कहने का मतलब ये था मेरा कि उस टाइम माइक्रोस्कोप्स थे नहीं थे. ठीक है, जीन्स जैसे आजकल हम माइटोसिस की स्लाइड बना सकते हैं, ठीक है, तो उस टाइम ऐसा कोई कंसेप्ट था नहीं, माइक्रोस्कोप थे नहीं एडवांस, तो वो देख ही नहीं पाया कि उस, लेकिन उसने ये थ्योरी ज़रूर दी थी कि फैक्टर्स चीज़ होती है जो इस तरह से कंट्रोल करते हैं. तो 1900 में जाके, ठीक है, ये 1900 तक जो है ये कुछ नहीं हुआ इसका, 35 साल तक उसका वर्क अनरिकॉग्नाइज्ड रहा. 1900 में जाकर 3 साइंटिस्ट आए जो वर्क कर रहे थे, 35 साल के बाद 1900 में 3 साइंटिस्ट, डीवरीज, कोरेंस एंड द वोन शर्मैक, इंडिपेंडेंटली देर इज रीडिस्कवर्ड. उन्होंने देखा कि मेंडल ने जो काम किया था हम उस पर जरा दोबारा से रीडिस्कवरी करते हैं, तो दे रीडिस्कवर्ड द मेंडल रिजल्ट ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ द करेक्टर. और उस टाइम फ़ायदा क्या था, उस टाइम जो थी एडवांसमेंट आ चुकी थी माइक्रोस्कोपी में, ठीक है, तो साइंटिस्ट वर वेरी दे वर एबल टू केयरफुली ऑब्जर्व द सेल डिवीजन. सो दिस लेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ द डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस ऑल्सो. ठीक है, उसने कुछ ऐसे स्ट्रक्चर डिस्कवर किए गए न्यूक्लियस के अंदर जो कि डबल होते हैं, डिवाइड होते हैं सेल डिवीजन से पहले, जिनको बाद में क्रोमोसोम नाम दिया गया. ठीक है, दे वर विजुलाइज्ड बाय द स्टेनिंग. ये 1900 की बात है. 1902 में क्रोमोसोम मियोसिस के दौरान कैसे मूवमेंट करते हैं, ठीक है, बाय 1902 क्रोमोसोम की मूवमेंट भी वर्कआउट हो गई. ठीक है, और एट दैट टाइम, नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट, वाल्टर स्टोन एंड थियोडोर वोवरी, दे नोटेड द बिहेवियर ऑफ द क्रोमोसोम वर पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ द जीन्स एंड द क्रोमोसोम मूवमेंट टू एक्सप्लेन द मेंडल्स लॉ. इन्होंने कहा कि जो क्रोमोसोम जो मूवमेंट करते हैं, ठीक है ना, वो देयर मूवमेंट वॉज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ द जीन्स. क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम आर द स्ट्रक्चर विच कंटेन द जीन्स. मेंडल ने कहा था जीन आगे चलते हैं, मेंडल ने ये नहीं बताया डिवाइड, मेंडल ने बोल तो दिया वो डिवाइड होते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लगता है, लेकिन जीन्स नहीं अलग होते एक्चुअल में, वो क्रोमोसोम अलग होते हैं और क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, सो वी हैव स्टडीड इन द 9th क्लास आल्सो इक्वेशनल रिडक्शनल डिवीजन और सारी चीज़ें थी. ठीक है, तो यहाँ पे क्रोमोसोम्स एज वेल एज द जीन्स दे अकर इन पेयर्स. ठीक है, एंड द टू एलील्स ऑफ द जीन पेयर आर लोकेटेड ऑन द होमोलोगस साइट ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम. ये हम कर चुके हैं. तो अगर कोई पूछे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो थी वो दी किसने थी, वो इन्होंने दी थी, वाल्टर स्टोन एंड थियोडोर वोवरी.
और इन्होंने कहा था कि क्रोमोसोम का बिहेवियर बिल्कुल पैरेलल होता है बिहेवियर ऑफ जीन्स के अकॉर्डिंगली, और जैसे जैसे क्रोमोसोम मूवमेंट होते हैं जीन्स की मूवमेंट भी वैसे ही होती है। ठीक है, ये उन्होंने हल्का सा कंसेप्ट आपको बताया हुआ है मूवमेंट ऑफ द क्रोमोसोम्स का। क्लियर, देन दिस वाज द कंपैरिजन बिटवीन द बिहेवियर ऑफ द जीन्स इन द क्रोमोसोम्स। They occur in the pairs, they occur in the pair. They segregate at the time of the gamete formation such that only one of the each pair is transmitted to the gamete. They segregate at the time of the gamete formation, only one of the each pair is transmitted to a gamete. ठीक है, one of the each pair. Then the independent pairs segregate independently of each other. One pair segregate independently of the another pair. ठीक है, सो व्हाट इज द ए एंड बी, आप इसको पढ़िए मुझे बताना इसका आंसर क्या है। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। क्लियर, नाउ हियर दे हैव अगेन एक्सप्लेन दिस यूजिंग द डायग्राम। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम को उन्होंने डायग्रामेटिक एक्सप्लेन किया है। इट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट द मेन जो चीज़ बताई थी उन्होंने, उन्होंने कहा था स्टोन एंड वॉवरी ने कि पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ ए पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज लीड टू द सेग्रीगेशन ऑफ द पेयर ऑफ द फैक्टर्स दे कैरिड। ठीक है, मतलब उन्होंने मेंडल के ही वर्क को दोबारा से रीपब्लिश किया था, उसको दोबारा से फैक्ट्स को फैक्चुलाइज किया था कि क्रोमोसोम की पेयरिंग और उनकी सेपरेशन जब होती है तो उनके ऊपर प्रेजेंट जो फैक्टर्स और जो जीन्स होते हैं वो भी वैसे ही सेग्रीगेट होते हैं। ठीक है, सो इस को जो था मेंडेलियन प्रिंसिपल के जो साथ इन्होंने उसको यूनाइट किया था अपनी थ्योरी को, इसको हम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है, अब इससे इम्पॉर्टेंट एक और इम्पॉर्टेंट, नाउ आफ्टर द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। ये क्वेश्चन आते हैं वन मार्क्स में कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दी, स्टोन एंड वॉवरी ने। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन वॉज गिवन बाय व्हिच साइंटिस्ट, इट वॉज गिवन बाय टी एच मॉर्गन। ठीक है, टी एच मॉर्गन वॉज द साइंटिस्ट हु हैज स्टडीड ऑन ड्रोसोफिला मिलानोजेस्टर फ्रूट फ्लाई। Very important question, one marks. Scientific name of the fruit fly is the Drosophila melanogaster. ठीक है, now question आता है why fruit fly, what was the reason that T.H. Morgan has selected the fruit fly? तो इसका आंसर आपको मिलेगा अगेन इन द पॉइंट फॉर्म लिखेंगे आप इसको। नाउ फर्स्ट पॉइंट इज वी कैन ग्रो देम इन द सिंपल सिंथेटिक मीडियम इन द लैब। सेकेंड पॉइंट इज दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन द 2 वीक वेरी इजिली। थर्ड पॉइंट सिंगल मेटिंग रिजल्ट द लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी। ठीक है, देन द फोर्थ पॉइंट क्लियर डिफरेंशिएशन बिटवीन द सेक्सेस मेल एंड द फीमेल। देखिए आप इसमें मेल जो है वो छोटा है और फीमेल का साइज बड़ा है। ठीक है, नाउ फिफ्थ पॉइंट, फाइव रीजन थे इसके, द वेरिएशन जो है इनको हम सिंपल लो पावर डायसेक्टिंग माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं। तो ये फाइव रीजंस वर देयर ऑफ द ड्रोसोफिला व्हाई टी एच मॉर्गन हैज चूजन देम। फाइव पॉइंट्स, ओके, क्लियर। नेक्स्ट इज द कंसेप्ट ऑफ लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, तो ये हम बाद में करेंगे लिंकेज का कंसेप्ट जो है। ठीक है,